सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र पूछते थे कि आपका यहाँ क्या है, आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है। और मैं बार बार ये कहता था कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहती है वो चुनाव जीतता है, जनता जिसको चाहती है वो चुनाव हारता है। इस नगर निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी की एंट्री का श्री गणेश किया है। एक शानदार शुरुआत इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए हुई है और इसका कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। रामपुर जो लगभग 4 लाख वोटों की नगरपालिका परिषद है, अभी जब मैं यहां आ रहा था तो जानकारी मिली लगभग 12-13 हजार वोटों से रामपुर की नगरपालिका के चेयरमैन पे सना खान, सना मामून, वो वहां से चुनाव जीती हैं आम आदमी पार्टी की झाड़ू के सिंबल से। केमरी जो रामपुर की दूसरी सीट है, वहां से चेयरमैन के पद पर रफत जहां, वो वहां से जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अंसार भाई, उनकी पत्नी है, वो वहां से चुनाव जीती हैं, लगभग 6 हजार वोटों से चुनाव जीती हैं। कौशाम्बी, वहां अभी तक जो परिणाम आया मैं सिर्फ उसकी चर्चा कर रहा हूं। कौशाम्बी वहां से हमारे चेयरमैन अनूप सिंह पटेल जी लगभग 1800 वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अयोध्या राम की नगरी में नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जीता, कानपुर में आम आदमी पार्टी का पार्षद जीता, गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का पार्षद जीता, झांसी नगर निगम में आम आदमी पार्टी का पार्षद जीता। तो एक शुभ संकेत है कि नगर निगमों में भी आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते हैं। बहुत सारी नगर पालिका परिषदों में हमारे सभासद जीते हैं, नगर पंचायत परिषदों में, नगर पंचायतों में हमारे सभासद जीते हैं। और इसके साथ साथ अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग आम आदमी पार्टी के 10 चेयरमैन पूरे उत्तर प्रदेश में जीतने की संभावना है। 3 पे हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं और लगभग 7 सीटों पर 8 सीटों पर उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है इस चुनाव में। यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा, एक आत्मविश्वास हमारे कार्यकर्ताओं में पैदा होगा कि हम भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमारी बुरी हार हुई थी। एक आत्मविश्वास आम आदमी पार्टी के वोटर्स में, समर्थकों में पैदा होगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अब एंट्री हो चुकी है, इसका हमें साथ देना चाहिए। झाड़ू उठाया लोगों ने इस बार, नगर पालिका में गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू चलाई। बहुत सारी सीटों पे हम सेकंड रह गए, कुछ वोटों से चुनाव हार गए, बहुत से नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक उम्मीद जो बदलाव की राजनीति का है, जो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल का है, जो अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मॉडल का है, वो दिल्ली का मॉडल वो उत्तर प्रदेश में लाने का श्री गणेश इस चुनाव में हो चुका है, उसकी शुरुआत इस चुनाव में हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को और मजबूत बनाएंगे। जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन, मीटिंग होगी। जो लोग हमारे चुनाव जीते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से समय लेके शीघ्र ही उन लोगों के साथ, वो हमारे चेयरमैन, पार्षद, सभासद जितने भी हैं उनके साथ केजरीवाल जी की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें वो अपने दिशा निर्देश जारी करेंगे कि कैसे आगे काम करना है। आज पंजाब का भी नतीजा आया, वहाँ भी हमारे काम के ऊपर लोगों ने मोहर लगाई। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, उनका पंजाब के लोगों से वादा और भगवंत मान जी की सरकार का एक एक वादे को पूरा करने का जुनून और जज्बा, वो जीता जालंधर के अंदर। आज सोचिए, जो फ्री बिजली का मॉडल है, फ्री शिक्षा का मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है,
नौकरियां देने का जो मॉडल है, रोजगार देने का जो मॉडल है, ये पंजाब में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जलंधर का रिजल्ट ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में, भगवंत मान जी की सरकार के पक्ष में लोगों ने आज खुलकर अपना वोट दिया, समर्थन दिया। इसके साथ साथ कर्नाटक में जो कुछ हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, नफरत की दुकान बहुत लंबे दिन तक नहीं चलाई जा सकती। लोगों को रोजगार चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको महंगाई से निजात चाहिए, उनको अच्छे अस्पताल चाहिए, उनकी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं लोग। आप वही घिसी पिटी राजनीति, नफरतों की राजनीति, देशभर में एक दूसरे को गाली गलौज की राजनीति, विपक्ष के नेताओं का गला घोटने की राजनीति, उनकी राजनीति खत्म करने की राजनीति, उन पे फर्जी मुकदमे लगाने की राजनीति, उनकी सरकारों को दबाने की राजनीति, दिल्ली के प्रति दुर्भावना करके एक सरकार को नहीं चलने देने की राजनीति। तो प्रधानमंत्री जी, आपको समझना होगा कि बहुत दिन तक ये दुकान नहीं चलेगी, ये नफरतों की दुकान, ये झूठ बोलने की दुकान, ये फर्जी भाषणों की दुकान। फर्जी भाषणों से कब तक आप इस देश को चलाएंगे? ना आपने रोजगार दिया, ना आपने शिक्षा दी, ना आपने स्वास्थ्य दिया। भुखमरी के इंडेक्स में भारत को आप आगे लेते जा रहे हैं, बेरोजगारी के इंडेक्स में 45 वर्षों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आपने दे दी। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ करते हैं आप। तो आज कर्नाटक का जो फैसला है, कम से कम उससे प्रधानमंत्री जी को और उनकी पार्टी को ये सबक लेना चाहिए कि ये 40% कमीशन की सरकार अगर आप चलाओगे तो उसको जनता इसी तरीके से हटाने का काम करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं अपने एक एक जीते हुए प्रत्याशी को अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे के लिए काम पर जुट जाइए, मेहनत कीजिए, लोगों के बीच में रहिए, कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। हम जिन उद्देश्यों के लिए राजनीति में आए हैं उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, सर झुका के आपको नमन करता हूं। आपने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को ताकत दी है, हम लोगों को ताकत दी है, वरना यही सवाल बार बार पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, आपको क्यों गंभीरता से लिया जाए। उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की जनता ने की है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से आभारी हूं। एक नई राजनीति, एक बदलाव की राजनीति, एक केजरीवाल जी की राजनीति, एक उनके मॉडल की राजनीति को उत्तर प्रदेश में आप लाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत आपने की है। आगे से यहाँ का सफ़र हम सब लोग मिलकर तय करेंगे और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जितनी भी विषम परिस्थितियाँ होंगी कोई चिंता की बात नहीं है, आपके बीच में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद, मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए हमें कि किसी भी दल या संस्था की तुलना ईश्वर से नहीं हो सकती, भगवान से नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली जी का अपमान किया था, भगवान का अपमान किया था कि उन्होंने बजरंग बली जी की तुलना, भगवान बजरंग बली जी की तुलना किसी संगठन से की, बजरंग दल से या किसी भी संगठन से। तो ये बात बीजेपी वालों को समझना चाहिए कि आप एक इंसान हो सकते हो, एक दल हो सकते हो, हो सकता है आपकी सीटें आती हों, आपकी राजनीति में बड़ी पैठ हो, लेकिन आप भगवान के समान थोड़ी हो गए। कोई अपना नाम लिख ले राम कुमार और तमाम गुनाह कर ले तो उसकी तुलना भगवान राम से हो जाएगी? तो ये तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए दल और उसका आकलन
उसके कार्यों के मुताबिक होना चाहिए और भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को अलग रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात को कर्नाटक की जनता ने भी समझा कि किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अभी पूरा जो रिजल्ट है वो आ जाने दीजिए, तब सारा डिटेल्ड बात करना ठीक होगा। लेकिन मैं ये जरूर देख रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस किया था, उसकी तुलना में बीजेपी का परफॉर्मेंस इस चुनाव में खराब है, बेहतर नहीं है। और आम आदमी पार्टी की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी एक शुभ संकेत है। अब यहाँ आने वाले दिनों में और अच्छे ढंग से झाड़ू चलेगी और राजनीति की गंदगी को हम लोग जनता के साथ मिलकर साफ करेंगे। धन्यवाद।